नमस्कार दोस्तों, 3% के आसपास आज फिर से जो है जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड में गिरावट देखने के लिए मिली है। जेपी पावर में 2-3 दिन से तेजी आ रही थी, कल मार्केट के अगेंस्ट में जाके जो है अच्छा सा तेजी दिखाया था, 5% का सर्किल लगाया था। आज गैप अप के साथ ओपन तो हुआ लेकिन फिर से गिरावट आ गई। अब यहाँ पे ये जो है खतरे का संकेत दे रहा है। देखिए, ये जो स्टॉक है ना वो आज्ञाकारी, जैसे शिष्य नहीं कहते हैं, वो आज्ञाकारी शिष्य है। मतलब ये हर एक सपोर्ट को रिस्पेक्ट देता है, हर एक रेजिस्टेंस पे रिस्पेक्ट, मतलब को रिस्पेक्ट करता है, मतलब जबरदस्त। अब यहाँ से जो मैं पीछे अभी आप लोगों को बताया था ना कि हिस्ट्री रिपीट हो रहा है, ऐसे हो जाएगा, बेचने की गलती मत करना, यहीं से भाग जाएगा, अब ऊपर के साइड में ये हिस्ट्री रिपीट किया है। दो मतलब तीन जगह पे मैं एक ही जैसी आपको जो है ये कैंडल दिखाऊंगा। ये जो मैं आपको जो है मार्क करके दिखा रहा हूँ ना, ये अभी डेट में मैं बताऊंगा ताकि उसको आप अपने चार्ट पे चेक कर सको। और यहाँ पे भी देखिए अभी दिख गया अचानक से, ठीक है, और यहाँ पे भी वही चीज़ दिख गई अचानक से, पांच जगह वही चीज़ सेम टू सेम हुई है, मतलब समझ रहे हो। तो ये रिपीट फिर से जो है कैंडलस्टिक अब ऊपर की साइड से रेजिस्टेंस पे रिपीट कर रहा है, मतलब अब फिर से जो है गिरावट की संभावना बन जाएगी, फिर से जो है 17.5 रुपये तक अगर मार्केट इसी तरह से रहा तो। नहीं तो ये पैटर्न टूट भी सकता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पैटर्न टूटेगा, जरूर टूटता जरूर है। लेकिन अभी जो है जो टेक्निकली जो देखिए एनालिसिस का मतलब है कि जो बना है चार्ट उसकी हम लोग एनालिसिस करें, जो बनने वाला है उसका प्रडिक्शन कर सके कि कैसा बन सकता है, नहीं सकता है, होगा क्या होगा वो तो अलग बात है, ठीक है ना। आज अगर इसमें देखेंगे हम लोग तो आज भी वॉल्यूम बहुत ज्यादा ट्रेड हुआ है, सीधा सीधा 14 करोड़ इक्विटी शेयर मान के चलिए, 14 करोड़ इक्विटी शेयर इसमें ट्रेड हुआ है, 275 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल हुए हैं। डिलीवरी परसेंटेज की बात करेंगे तो 41% निकल के सामने आ रहा है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों का मैं सबसे पहले हल कर दूं, कई सारे लोगों के मन में कि सर ये डिलीवरी परसेंटेज जब 45% इसमें तो चलिए आज घट गया है, 40% है, 60% 65% डिलीवरी परसेंटेज आता है, फिर उसके बाद जो है अगले दिन शेयर क्यों गिर जाता है। यही आप लोगों का क्वेश्चन। डिलीवरी परसेंटेज का मतलब ये नहीं होता है कि वो शेयर 3 साल के लिए खरीदा जाए, डिलीवरी परसेंटेज का मतलब बस इतना ही होता है कि वो शेयर डिलीवरी में खरीदा गया है। डिलीवरी में खरीदा गया शेयर 2 साल के लिए खरीदा गया है, जरूरी नहीं है 2 महीने के लिए खरीदा गया, जो वो जब उसकी डिलीवरी मिल जाएगी तब वो शेयर भी बिक सकता है फिर, मतलब एक तरह से वो भी तो शेयर ही खरीदे हो अपना, कोई जरूरी थोड़े कि डिलीवरी में खरीदे हो तो उसका मतलब है कि आप उसको 5 साल होल्ड करोगे, ऐसा थोड़े। तो किसी स्टॉक में डिलीवरी परसेंटेज अगर 70% का आ रहा है फिर भी शेयर अगले दिन 4% गिर जा रहा है तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि वो आज वाला शेयर डिलीवरी में खरीदा गया, उसके पहले जो डिलीवरी में खरीदा गया है वो तो बिक सकता है ना आज, सिंपल सब। अब इतना नहीं समझ पा रहे हो आप लोग, तो वही है आज देख लीजिएगा आप लोग। फिलहाल में कोई भी न्यूज नहीं आई है, देखिए यहाँ पे एक गैप ओपनिंग, उसके बाद पैनिक गिरावट, थोड़ा सा साइलेंट हुआ, उसके बाद एक रिकवरी, कल का क्लोजिंग प्राइस को जो है ऊपर ब्रेक किया था, मतलब कई बार ये जो है ग्रीन में भी ट्रेड किया था आज, उसके बाद मार्केट में जब दूसरे स्टेप की गिरावट आई लगभग वही 1 बजे के आसपास से, तो फिर जो है इसमें भी गिरावट आई और ये भी जो है गिर के नीचे 4% के 3% के साथ जो है क्लोज किया। अब ये तो हो गई बातें, देखिए आज मार्केट भी सेम वही रिएक्ट किया है जैसे मैं बता रहा कि ओपन हुआ मार्केट, ओपन होते ही इसमें एक रिकवरी आई, हायर हाई और हायर लो कंपनी मतलब ये शेयर ने बनाया, निफ्टी ने बनाया, इस वजह से बहुत सारे शेयरों में रिकवरी आई थी। फिर अचानक से जो है यहाँ पे देखते हो 12 बजे के आसपास एक अचानक से गिरावट देखने के लिए मिली और इसके बाद जो है सारे के सारे शेयरों में फिर से गिरावट आ गई, 1% की रिकवरी, उसके बाद फिर से जो है 1% की गिरावट, मतलब ऊपर के साइड से 2% गिरा है 1% की रिकवरी के बाद, जबरदस्त भाई बिकवाली आज भी हुई है। आज के ट्रेडिंग सेशन को हल्के मत लीजिए, आज तो और जबरदस्त गिरावट हुई है सीधा सीधा करें। अब देखिए इसके चार्ट पे अगर हम लोग जाएंगे ना, तो मैं आपको क्या बोला था कि ये वाला लेवल में जब भी देखेंगे, हिस्ट्री रिपीट इसका हुआ था और कैंडलस्टिक आप लोगों को बताया था कि हर बार अपने लो को जो है धीरे से थोड़ा सा ब्रेक करके ये जो है ऊपर भाग जाता है, ये इसका जो है हिस्ट्री रिपीट हो रहा था उस समय। अब ऊपर क्या है, ऊपर ये चीज नहीं होता है, ये चीज ऊपर एकदम एग्जैक्ट होता है, ऊपर क्या करता है कि एग्जैक्ट एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप लोग इस तरह से, और उसी लाइन पे बार 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 रिटेस्ट करके जो है ये गिरावट एक करता है, मतलब उसी रेंज वाले जो है ट्रेडिंग होती है इसमें, ठीक है ना। अब बड़ा वाला रेंज बनने की संभावना थी, देखते हैं अगर कल एक और ग्रीन कलर बन जाती है तो यहाँ पे 2200 रुपये के का वाला रेंज जो है एक्टिव हो जाएगा, लेकिन अभी इसी रेंज को ये जो है रिस्पेक्ट दे रहा है, मतलब ये वाला जो रेंज है जो मैं बनाया था ये वाला उसी रेंज पे। अब यहाँ पे जो मैं अभी कैंडलस्टिक की बात कर रहा था ना आप लोगों के सामने, वो कैंडलस्टिक पे आप अपने चार्ट पे ओपन करके पहले देखिए, एक डेट आप लोग नोट करिएगा,
24 मई और 27 मई का हाई, ठीक है ना, दो कैंडल वो। उसके बाद एक और डेट याद करिए, 24 जून और जो है 25 जून का दो कैंडल। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक जो है 9 जुलाई और 10 जुलाई का दो कैंडल। उसके बाद यहाँ पे देखिए 26 जुलाई और 29 जुलाई का दो कैंडल, ठीक है ना। और खास करके ये जो है देख तो सोमवार वाली, चलिए कैंडल हो गई, ये भी कैंडल देखेंगे तो सोमवार को गिरावट आई थी, ये देखेंगे तो ये तो चलिए ठीक है। ये तीनों दिन, दो दिन जो गिरावट आई है ये गैप अप सर, ये सोमवार को आई है, हालांकि आज शुक्रवार को ही आ गई। अब आज वाली कैंडल भी देख लीजिएगा, 3 अक्टूबर वाली कैंडल और 4 अक्टूबर वाली कैंडल। इसमें हुआ क्या है ना कि एक अचानक से एक बड़ी सी तेजी आती है, ठीक है ना, उसके बाद एक अच्छा सा गैप अप मिलता है, उसके बाद एक बड़ी गिरावट। फिर यही चीज यहाँ पे भी रिपीट किया था, देखिए जो मैं अभी डेट बताया हूँ उन डेट को देखिए, यहाँ पे सेम चीज, एक बड़ी ग्रीन कैंडल, एक फिर उसके बाद अच्छा सा गैप अप, बढ़िया गैप अप वो भी, और उसके बाद एक गिरावट। फिर वही चीज यहाँ पे भी रिपीट हुई, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल या अपर सर्किट वाली कैंडल, और उसके बाद जो है फिर से एक बढ़िया सा गैप अप, 2-2.5-3% वाला गैप अप, और उसके बाद फिर से एक गिरावट। सेम चीज यहाँ पे रिपीट हुआ है, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल मतलब 3-4-5% वाली तेजी, और उसके बाद 4-5% के गैप अप के साथ ओपनिंग हुआ था। देखिए कैंडल का डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा उससे कि कितना बड़ा जो है गैप अप हो रहा है, इस अंतर से आप समझिए, ये वाले अंतर से समझिए कितना बड़ा गैप अप हो रहा है। यहाँ पे क्लोजिंग, यहाँ पे ओपनिंग, मतलब उतना आपको छोटा दिख रहा होगा भले ही चार्ट पे, लेकिन बहुत बड़ा गैप अप है। बार बार बड़ा गैप अप ओपनिंग करके फिर से एक गिराओ, 3 बार रिपीट हो गया, ठीक है ना, और उसके बाद यहाँ से लेंगे तो ये 4 बार भी हो जाएगा, और उसके बाद अब फिर से वही चीज बना रहा है। तो देखिए जब अगर चार्ट ही पढ़ेंगे तो एक कैंडल, उसके बाद आज भी 2.5% के आसपास की गैप अप हुई थी ओपनिंग, और उसके बाद फिर से गिरावट। अब यहाँ से फिर से एक गिरावट इस तरह से कर सकता है, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे नेचर देख रहा था, इसके देख ही रहे थे, मतलब हिस्ट्री रिपीट देख रहे थे, और क्या, मतलब चार्ट जो बता रहा है वो हम लोग कह रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ ये नहीं, अपने से नहीं बता रहा हूँ, जो चार्ट बता रहा है वो बता रहा हूँ। तो यहाँ से फिर से एक गिरावट जो है हो सकता है कि 17.5 रुपये तक आ जाए, मतलब ये चार्ट के हिसाब से, क्या आएगा कि नहीं आएगा ये भी एक क्वेश्चन मार्क रहेगा ना, क्योंकि पैटर्न कभी ना कभी तो चेंज होगा ना। तो मेरे हिसाब से इस बार इसका पैटर्न हो सकता है कि चेंज हो जाए, क्योंकि मेरे हिसाब से इस बार इसका रेंज जो होना चाहिए वो 22 रुपये वाला होना चाहिए। अब ये वाले छोटे वाले रेंज से अब हमको बड़े रेंज पे शिफ्ट होना है, जो मैं आपको बहुत पहले समझा चुका हूँ कि अब इसका जो है रेंज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, यही रेंज रहेगा लेकिन अब थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टाइल रहेगा। पहले यहाँ पे ऐसे ऐसे कम गया है, यहाँ पे पहले ऐसे ऐसे कर रहा था, अब क्या करेगा कि यहाँ से अब जो है ऐसे ऐसे करेगा, हो सकता है 1-2 बार करे, तो ये चीज देखने के लिए हम लोगों को मिल सकती है, तो देखेंगे। अब देखिए इसमें करना क्या है, तो करना तो मैं आप लोगों को पहले से बताया था, यहाँ पे बाय करने के लिए बोला था, और आप लोगों को मैं 19 रुपये और 21 रुपये का दो छोटा छोटा टारगेट दिया था, और ये वाला हाई भी टारगेट था। तो पहला टारगेट लगभग लगभग अचीव हो चुका है, लेकिन प्रॉफिट नहीं बुक किए हैं, तो टारगेट कैसे अचीव हुआ, नहीं हुआ तो कुछ नहीं करेंगे, अभी इसको होल्ड करेंगे हम लोग, बेचने की जरूरत यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, जल्दबाजी करने की बहुत जरूरत बिल्कुल नहीं है। 4 बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग भी इसको मान सकते हो, हालांकि मार्केट के गिरावट की वजह से भी इसको हम लोग जोड़ सकते हैं कि मार्केट में गिरावट आई है, तो भाई मार्केट निफ्टी 1% गिर रहा है, तो ये छोटे मोटे इंडेक्स हैं, छोटे छोटे मोटे शेयर हैं, तो 2-3% नॉर्मल गिर सकते हैं, कोई असर वाली बात नहीं। लेकिन अब अगले दिन निफ्टी क्या करता है और अगले दिन जेपी पावर क्या करता है, ये देखने वाली बात रहेगी। अब सोमवार को मार्केट ओपन होगा, 2 दिन का कुछ भी पच जाएगा, जो भी निगेटिव सेंटिमेंट पॉजिटिव सेंटिमेंट है सब कुछ सेटल हो जाएगा, तो अगला ट्रेडिंग सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से यहाँ से तेजी आनी चाहिए, एक रिकवरी फिर से आनी चाहिए, यहाँ से फिर से हिस्ट्री रिपीट नहीं करना चाहिए, नहीं तो करेगा भी तो क्या करेंगे, अब 16 रुपये का स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए इसको होल्ड करेंगे, लेकिन अब अगर ये नीचे आएगा तो 16 रुपये तक भी आ सकता है, ये भी संभावना है, देखेंगे। देखिए सारा चीज़ संभावना पे होता है, और उसके बाद कोई नहीं जानता कि किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा, ठीक है ना। जब भी मैं भी यहाँ पे बता रहा था कि 17 रुपये पे खरीदारी करिए, 16 रुपये का स्टॉप लॉस फॉलो करिए, तो ये जरूरी नहीं था कि यहाँ से तेजी आएगा, बस एक संभावना था, रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारे फेवर में था, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे, काम खत्म। क्योंकि जब 1 रुपया का रिस्क है, 5 रुपया के ऊपर टारगेट है, तो ट्रेड करना चाहिए वहाँ पे, ठीक है ना, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो बता भी रहा है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो चीज़, ठीक है ना, और इसीलिए हम लोग सेल भी नहीं किए, तो सब कुछ भी ठीक था। देखते हैं आगे क्या होता है, आगे वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोग सपोर्ट दोगे तो मैं आप लोगों को बिल्कुल सपोर्ट दूंगा हमेशा। वीडियो को जबरदस्त लाइक करिएगा, दबा के जितना आप लोग लाइक करते हो, तो मुझे उसी से समझ में आता है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है नहीं आ रही है, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो चीज़ समझ में आ जाता है। तो लाइक करिएगा दबा के इस वीडियो को, ठीक है ना, बात करेंगे, ठीक है ना।